हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी चीनी, एक कटोरी घर की फ्रेश मलाई, एक कटोरी मिल्क पाउडर और एक कटोरी दूध और एक मैंगो लेंगे। सबसे पहले हमको लेना है एक बर्तन, उसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, दूध, फ्रेश मलाई और ये चीनी। चारों सामानों को हम डालकर विस्कर या फिर आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर की हेल्प से आप इसे अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे सभी सामानों को एक साथ डालकर मिक्सर में भी आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपको इसे जब तक चलाना है जब तक आपकी जो आपका टेक्सचर है, आपकी बैटर है, उसमें अच्छे से क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए तब तक आपको चलाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनकर रेडी होगी ये। बिना गैस जलाए आप बहुत ही लाजवाब मिठाई बना आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी आइसक्रीम का थिकनेस और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो गया है। अब हम लेंगे एक मैंगो, उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम मैंगो को इस तरीके से कट करेंगे। मैंगो कट करने की भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जैसे मैं बीच में से सबसे पहले आपको कट करना है और उसके बाद इस तरीके से आपको इसमें निशान लगाने और इस तरीके से आपको स्पून की हेल्प से सारे मैंगो के पीसेज को निकालने हैं। इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो ये फटाफट से आपके मैंगोस के पीसेज बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से ये कट हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम मैंगो का सारा पल्प निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट मिक्सर जार में डालकर भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंगो को हम इस तरीके से अच्छे से कट कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना मैंगो डालना चाहते हैं। तो मैं इसमें एक मैंगो डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने मैंगो के पीसेज कट कर लिए। उसके बाद हम लेंगे एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में डालकर हम मैंगो की इस तरीके से अच्छे से इसको ग्राइंड करके इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इस वाले बर्तन में ही आप इसको डालकर और अच्छे से आप इसे ब्लेंडर की हेल्प से भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से इसको मैंने इसका लिक्विड फॉर्म में इसका बैटर बना लिया है। अब हम इसे हमारे बर्तन में डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मैंगो फूड कलर वाला एसेस। अगर आपके पास मैंगो फूड कलर वाला एसेस नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी येलो फूड कलर। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल हमारे मार्केट जैसा इसका कलर आएगा और ऐसा लगेगा कि आप इस आइसक्रीम को मार्केट से लेकर आए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको एक बार और ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें मैंगो डाला है वो भी हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको एक बार और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से डाल दिया इलायची पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप खुद देख सकते हैं इसका कितना गाढ़ा और क्रीमी टेक्स्चर आ गया है। इलायची पाउडर मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे इस तरीके से कोई भी एक बॉक्स, ऐसा बॉक्स तो सभी के घर में अवेलेबल होता है। अगर नहीं हो तो आप इसे किसी भी घर के बर्तन में जैसे टिफिन कप, कटोरी, ग्लास किसी में भी आप इस आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे आइसक्रीम के बैटर को मैं इस तरीके से इस डब्बे में बॉक्स में डाल दूंगी। बॉक्स में डालने के बाद अगर आप इसके ऊपर डेकोरेट करना चाहते हैं तो ऊपर से ये देखिए, इस तरीके से मैंगो की स्लाइस को बारीक बारीक कट करके आप इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। मैंगो की स्लाइस से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से नट्स, ड्राई फ्रूट्स डालकर, काजू बादाम डालकर मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए, ओवरनाइट के लिए मैंने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है। और ये देखिए, हमारी आइसक्रीम बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका है, बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। वीडियोस अगर आपको मेरे पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए।